तो फाइनली अभी चेक इन भी हो गया, मगर मेरे पास जो मेरी लगेज बैग थी वो भी मैंने चेक इन करवा ली, बिकॉज वेलकम टू द यूएसए। तो फाइनली अभी एयरपोर्ट पे आ गया हूँ एंड अभी चेक इन कर रहा हूँ। तो फाइनली अभी चेक इन भी हो गया, मगर मेरे पास जो मेरी लगेज बैग थी वो भी मैंने चेक इन करवा ली, बिकॉज वेट थोड़ा ज़्यादा हो गया था एंड ये वाली लैपटॉप बैग में भी ऑलरेडी 8 kg था। तो उन लोगों ने कहा कि फ्री में चेक इन कर देते हैं, तो वो भी चेक इन करवा ली एंड गुड टू गो। अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई 3 घंटे का होल्ड है, उसके बाद डायरेक्ट 15 घंटे की न्यूयॉर्क की फ़्लाइट, यही सफ़र है आज का। चेकिंग भी हो गया, बोर्डिंग भी हो गया, अभी प्लेन की तरफ जा रहे हैं एंड मेरे पास एक बैग, मैंने ब्रेड कुशन है। तो अभी आ गया हूँ फूड कोर्ट में, मगर अभी भूख नहीं लगी एंड अभी यहाँ पे देखो फूड कोर्ट में अभी टाइम है, इसलिए बैठा हूँ फूड कोर्ट के पास एंड यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है देखो। तो बस यहाँ पे चिल करता हूँ एंड फ़ोन की बैटरी पूरी ठोस होने वाली है तो चार्जिंग पे ही लगा दूँ। तो अभी वॉशरूम के अंदर आ गए हूँ, इंडिया के टाइम के हिसाब से 2 बजने वाले हैं मगर न्यूयॉर्क में 5 बज रहे हैं, मीन्स न्यू जर्सी न्यूयॉर्क एक ही है। तो वहाँ के सुबह के 8:27 के आसपास लैंडिंग होगी, तो तब तक अभी सो जाऊँगा। अभी मूवी देख रहा था, बस ऐसे ही फ्रेश होने के लिए आ गया। सुबह का मी વેલકમ ટુ ધ યુએસએ તો પણ હું ચલો पहले ही अमेरिका में आते ही स्टारबक्स में कॉफ़ी पी लिया था। तो बस आज के लिए इतना ही एंड तो इसको दिखाना मैं भूल गया था, ये मेरा बड़ा भाई है, सगा बड़ा भाई, यहीं यूएस में 9 साल के बाद में मिला हूँ। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे स्टाइलिश, जय हिंद, वंदे मातरम, आओ जो।